अभिनेता सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक समय में बॉलीवुड के मोस्ट फेवरेट कपल्स में से एक थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे और वे उस समय हर दिन सुर्खियों में रहते थे। हालांकि कुछ समय की डेटिंग के बाद वो अलग हो गए। जहां ऐश्वर्या ने शादी कर ली, वहीं सलमान अभी भी सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। खैर, उनके प्यार के किस्से आज भी चर्चा में रहते हैं। आइए आपको उनसे जुड़े एक दावे के बारे में बताते हैं। उस समय इंडस्ट्री में ऐसी अफवाह थी कि सलमान और ऐश्वर्या ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। हालांकि दोनों की तरफ से कभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ये एक निकाह सेरेमनी था। लोनावला के एक बंगले में आयोजित इस समारोह को एक काजी ने संपन्न करवाया था। कथित तौर पर ऐश्वर्या ने शादी के लिए इस्लाम धर्म भी अपनाया था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ऐश और सलमान के माता पिता उनकी शादी में नहीं शामिल हुए थे। एक्स कपल अपने हनीमून के लिए न्यूयॉर्क गया था। जब दोनों मुंबई वापस लौटे तो उन्हें एक साथ देखा गया था। ऐश्वर्या के माता पिता हमेशा से सलमान संग उनकी शादी के खिलाफ थे। ऐसे में अफवाहों ने उनके लिए स्थिति और खराब कर दी थी। सलमान संग ऐश्वर्या की शादी की खबर जंगल की आग की तरफ फैल रही थी। वहीं ऐश्वर्या ने बेहद कूल तरीके से इसे खारिज कर दिया था। मीडिया से एक बातचीत के दौरान उन्होंने ऐसी अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था, अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या पूरी इंडस्ट्री को इसकी जानकारी नहीं होती? इंडस्ट्री बहुत छोटी जगह है। इसके अलावा मेरी माँ के एक्सीडेंट के बाद मुझे अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला है। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो शादी जैसी बड़ी बात से इनकार करूँ। अगर ऐसा होता है तो मैं दुनिया के सामने अपनी शादी का गर्व से ऐलान करती। इसके अलावा अभी शादी करने के लिए समय कहाँ है? ये सब सरासर बेतुकी बात है। फिलहाल सलमान और ऐश्वर्या के कथित निकाह के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।